दोस्तों, बॉलीवुड में अगर सबसे कॉमन बात है तो सितारों के बीच इश्क होना है और फिर ब्रेकअप हो जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आम लोगों के लिए ब्रेकअप इतने मुश्किल भरे होते हैं तो सितारों पर क्या गुजरती होगी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 80 के दशक की बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिसने दो दो बार इश्क में धोखा खाया और टूट सी गई, जीवन में बहुत संघर्ष किए और आज अपना एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। हम बात कर रहे हैं 80 की दशक की खूबसूरत अभिनेत्री रीना रॉय की। रीना अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए बॉलीवुड तक पहुंची, लेकिन यहां भी उन्हें धोखा ही मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रीना रॉय की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रीना रॉय के शुरुआती दिन बेहद मुश्किल से गुजरे। जब वो छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स के बीच डिवोर्स हो गया था। रीना के पिता सादिक अली और मां शारदा राय फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे थे। उनकी मां ने रीना का बचपन का नाम सायरा अली से बदलकर रूपा रॉय कर दिया। रीना रॉय ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें अभिनेत्री आशा पारेख और डायरेक्टर नासिर हुसैन की बेटी के तौर पर पहचाना गया और उनका नाम दोबारा बदलकर रीना रॉय किया गया। डैनी डेंजोंगपा और रीना रॉय ने एक साथ 1972 में रिलीज हुई फिल्म जरूरत से बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में दोनों के काम को खूब पसंद किया गया और दोनों की एक्टिंग की पारी चल निकली। धीरे धीरे रीना रॉय बॉलीवुड की स्थापित अभिनेत्री बन गई। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 16 फिल्में की, जिसमें से 11 फिल्में सुपरहिट रही। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राज बब्बर समेत कई अभिनेताओं के साथ लगातार सुपरहिट फिल्में देकर वो भी सुपरस्टार बन गई। 1972 से 1980 तक शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय ने एक दूसरे के साथ लगातार कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान दोनों में इश्क भी हो गया। इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स और फिल्म कलाकारों को दोनों के बीच पनप रहे प्यार का इल्म भी था। अक्सर ही दोनों के लिंकअप की खबरें भी सुर्खियां बन जाती थी। दोनों की जल्द शादी होने की खबरें भी खूब मीडिया में आई, लेकिन दोनों कभी अपने प्यार को पब्लिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर रीना को पहला धोखा मिला। शत्रुघ्न सिन्हा उन दिनों चर्चित फैशन मॉडल और अभिनेत्री पूनम के प्यार में पड़ गए। पूनम का स्क्रीन नेम कोमल भी था। 1980 में पूनम उर्फ कोमल शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अचानक शादी कर पूनम सिन्हा बन गई। प्यार में अचानक धोखा मिलने से रीना रॉय सदमे में आ गई और कई दिन तक घर से बाहर तक नहीं निकली। अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर कायम होने के बावजूद रीना रॉय ने इंडस्ट्री छोड़ने और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करने का फैसला किया। शादी के कुछ ही दिन बाद मोहसिन खान ने ब्रिटेन की नागरिकता लेकर वहीं बसने का प्लान रीना के साथ साझा किया तो वह इसके लिए राजी नहीं हुई। कुछ दिन विवाद के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। दोनों को एक बेटी भी हुई, जिसकी कस्टडी के लिए दोनों कोर्ट में भी गए। आजकल रीना रॉय मुंबई में अपनी बहन बरखा रॉय के साथ रहती हैं। वो मुंबई में ही एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और अक्सर उन्हें बॉलीवुड स्टार्स की बर्थडे पार्टीज में भी देखा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब होने के बाद लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार।